राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, पूरे 10 दिन के लंबे डिस्टेंस के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल, और आकर हस्बैंड ने की है डिमांड क्योंकि मेरे किचन गार्डन में हो रही है स्प्रिंग ऑनियन। तो उनको आज स्प्रिंग ऑनियन आलू खाने हैं, वो भी दोपहर के लंच में। अभी ध्रुव चले गए थे स्कूल, उसके बाद मैंने घर के बहुत सारे काम निपटाए थे, मतलब डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, सारी चीज़ों को एक एक करके पोछना। स्पेशली जो किचन था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डस्ट से भर गया था, तो मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद मैं नहा ली थी, ध्रुव तो सुबह ही चले गए थे, और जो कपड़े वगैरह मैंने धोए थे वो मैंने सारे ड्रायल कर दिए थे मशीन में, लेकिन इनको ना मैंने सिर्फ आधा पौन घंटा की धूप लगाई है ताकि कपड़े ना अच्छे से खिल जाए। वैसे तो कपड़े ड्रायल होकर सूख जाते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर की धूप लगा देते हैं ना तो कपड़े एकदम फ्रेश फ्रेश महसूस करते हैं। तो चलिए, मैंने अभी सारे कपड़े उतार लिए हैं और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बाबू का एक बनियान ना ऊपर ही गिरा रह गया था। बाद में जब बारिश आई थी तब मैं देखने गई थी तो वो भीग चुका था। और गर्मी की मैं बात करूँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि जिस दिन मैं मायके गई थी उस दिन भी सेम ऐसी ही गर्मी थी, और आज भी वैसी ही गर्मी है। और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मतलब जैसे जेल के अंदर कोई कैदी आ जाता है ना वापस, बिल्कुल वैसे ही। वैसे मुझे एक दो दिन ऐसे ही फील होता है जब मैं मायके से आती हूँ तो, क्योंकि वहाँ पर खुला है और यहाँ पूरा बंद है घर, तो इसी वजह से फील होता है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो चलिए, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ध्रुव आने वाले हैं। उनके आने में है सिर्फ अभी पौन घंटा, तो मुझे सिर्फ आधे घंटे में ये थाली बनाकर तैयार करनी है, तो फटाफट से वीडियो भी शूट करना है और खाना भी बनाना है। तो मैंने निकाल ली है मूंग दाल, क्योंकि यही दाल ना सबसे जल्दी बन जाती है, 1 से 2 सीटी में बन के तैयार हो जाती है। मूंग की दाल वैसे तो मैं ज़्यादातर बिना कुकर से ही पकाती हूँ, लेकिन आज मैं इसे कुकर में बना रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और उनके आने के बाद मैं किचन में काम नहीं करती हूँ, मतलब ध्रुव आ जाते हैं तो। तो चलिए, मैंने थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं इसमें, और इसे मैं लगाऊंगी 2 विसल। 2 विसल में जो दाल है ना वो एकदम परफेक्ट से पकती है। तो चलिए, दाल हमारी पक चुकी है, अब गैस की फ्लेम को मतलब जो कुकर की गैस है उसको निकलने देते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं 4-5 आलू, और उनको ना इस तरह से मतलब फ्रेंच फ्राई शेप में कट कर रही हूँ मैं। और कल जब मैं आई थी ना तो सबसे पहले मैं गई थी किचन गार्डन में, क्योंकि मैंने थोड़ी सी प्याज लगाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्याज ले आए थे हस्बैंड, तो मैंने वो लगा दी थी ना, तो वो बहुत ही अच्छे से जम आई थी। आप देख सकते हो एकदम हरी भरी हो रही है। तो मैं यहाँ पर पानी डाल रही थी थोड़ा थोड़ा गमलों में, मुझे ऐसा लग रहा था कि सूखे सूखे हो रहे हैं, मुरझा से रहे, और धूप भी बहुत तेज हो रही थी। तो आप देख सकते हो मतलब 8 दिन में ही जो प्याज है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनकी जो पत्तियां हैं ना वो गिरने शुरू हो गई हैं। तो हस्बैंड ने देख लिया था और कह रहे थे कि मैं यही सोच रहा था कि जब तुम आओगी तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग ऑनियन आलू बनवा कर खाऊंगा, क्योंकि उन्हें इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकती। वैसे मुझे उतने पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत पसंद है। तो जब बाजार में स्प्रिंग ऑनियन आती है ना तो वो कई बार बनवा कर खा लेते हैं, चावल की रोटी से उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज तो मैं वैसे गेहूं की ही रोटी बनाऊंगी इसके साथ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। जब हम कोई पौधा लगाते हैं और वो बड़ा हो जाता है ना तो उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मुझे काटने का सच्ची में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इसको, अगर ये गिरे हुए नहीं होते ना तो मैं बिल्कुल नहीं काटती, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं ये देखने में। तो चलिए, काफ़ी अच्छी मात्रा में निकल गई है स्प्रिंग ऑनियन, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारी ले आई थी काट के, और वापस से वो जम आएगी, मैंने थोड़ा ऊपर से काटा था। और इसको ना धो लेंगे अच्छे से पानी में, वैसे तो एकदम फ्रेश है ये, बाजार की ज़्यादा डस्ट वगैरह की रहती है, लेकिन अभी मैं किचन गार्डन से ही लाई हूँ ना काट के, तो मैंने धो लिया है। और धोने के बाद मैं इसको कट कर रही हूँ, ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटा है, इसी तरह से कट करेंगे तो स्प्रिंग ऑनियन जो आलू रहते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, तो मैंने डाल दिया है इसमें जीरा, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और कूट कर मैंने डाला है इसमें लहसुन। कूटा हुआ लहसुन ना बहुत स्वादिष्ट लगता है इन आलूओं में, तो आप ऐसे ही डालिएगा। और जो प्याज है उसको भी मैंने स्प्रिंग शेप में काटा है, आप देख सकते हो लंबा लंबा नहीं काटा है। तो प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा ना, बस उतना ही भूनना है। उसके बाद मैंने इसमें सारे आलू ऐड कर दिए हैं, और आलू को मैं कर रही हूँ यहाँ पे सेलो फ्राई, क्योंकि सेलो फ्राई करेंगे ना तो आलू का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, जैसे हम आलू की भुजिया बनाते हैं ना सेम वैसे ही। तो चलिए, इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो मैंने डाल दिया इसमें सेंधा नमक, और ऊपर से रेड चिली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर भी डाल दिया है। तो आमचूर डालेंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, वैसे तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो आलू ना मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भुन चुका है, लेकिन अभी गलने में इसे टाइम है। तो क्या करेंगे, इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 कप के बराबर पानी,
और पानी डालने से क्या होगा, जो आलू है ना वो जल्दी से एकदम से गलकर तैयार हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर चावल निकाल ली हूँ, तो चावल बनाऊँगी। 1.5 कप के बराबर मैं चावल ली हूँ और इसमें पानी डाल के ना 2-4 मिनट के लिए इसे अभी रख दूँगी। हाथों हाथ ही बना रही हूँ, ज़्यादा भिगो कर नहीं रखूँगी। तब तक दाल भी बन गई है, तो फटाफट से मैं दाल में भी तड़का लगा ले रही हूँ और मैं 1-1 मिनट गिन रही हूँ। यहाँ पर बहुत जल्दी टाइम जा रहा है, क्योंकि ध्रुव आ जाते हैं ना तो किचन में काम ही नहीं करने देते। तो मैंने यहाँ दाल का तड़का तैयार कर लिया है। इसमें मैंने हींग, जीरा, लहसुन, प्याज और साथ में थोड़ा सा डाल रही हूँ उसमें काश्मीरी लाल मिर्च। इससे ना तड़के को बहुत ही अच्छा कलर मिल जाता है। दाल में आप इस तरह से तड़का लगाओगे ना तो दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मेरे घर में ना दाल में टमाटर कोई भी नहीं खाता है, तो इसी वजह से मैं स्किप कर दी हूँ, वरना मुझे दाल में टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, दाल तड़का हो गया है यहाँ पर बनकर तैयार। मूंग मसूर की दाल बहुत स्वादिष्ट लगती है इस तरह से। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं आलू। तो आलू अच्छे से पक चुका है, उसके बाद ही हम डाल देंगे इसमें स्प्रिंग ऑनियन। अगर आप स्टार्टिंग में डाल दोगे ना स्प्रिंग ऑनियन, तो क्या होगा, वो अपना कलर चेंज कर देगी और पूरी तरह से मतलब झह जाती है, पता ही नहीं चलता है कि आलू किस चीज़ से बनाए गए हैं। तो अगर आपको एकदम हरे भरे आलू खाने ना स्प्रिंग ऑनियन वाले, तो आप इसी स्टेज पर स्प्रिंग ऑनियन डालिएगा। जैसे हम धनिया डालते हैं ना, सेम वैसे ही। तो उसको सिर्फ अभी 2 मिनट पकाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं पकाएंगे उसको। तब तक मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं चावल। तो चावल मैं बॉईल करके बना रही हूँ, आराम से पकते रहेंगे। ध्रुव आ भी जाएंगे तो आराम से पक जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पर एक बार आलू चेक कर लेते हैं, और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है पूरे 2 मिनट के बाद। और अब आप देख सकते हो जो ऑनियन है ना वो एकदम ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, और बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर हमारे आलू की भजिया हो गई है बनकर तैयार। वैसे तो ये स्प्रिंग ऑनियन आलू बोलूँगी मैं इसको, लेकिन आप इसे भजिया भी बोल सकते हो। तो दोपहर की थाली लगा ले रही हूँ, क्योंकि ध्रुव आ चुके हैं और लंच का टाइम हो गया है, तो हस्बैंड भी आ गए हैं। और मैंने ले लिया यहाँ पर थोड़ा सा आम का अचार। लंच थाली में अगर अचार ले लूँ ना तो बात ही बन जाती है, मतलब पूरा स्वाद ही चेंज हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर थाली लग चुकी है, मैंने दाल भी सर्व कर दिया है और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, बिकॉज हस्बैंड की थाली है, मैं बिल्कुल भी घी वाली दाल नहीं खा सकती, तो ये थाली उन्हीं की है, वो खाएंगे। और यहाँ पर मैंने 2 चपाती रख ली हैं घी वाली। तो चलिए, आज की हमारी सुपर हेल्दी और एकदम सिंपल सी थाली हो गई है बनकर तैयार, और खाने में लगेगी ये बहुत ही स्वादिष्ट। रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई करना। मिलती हूँ आप सभी से एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।